هلا اجا الزعيم العظيم के बहुत ज्यादा लोग अहिला मुझे zoom करना नहीं आता है, बहुत ज्यादा लोग इस वक्त excited है। One life baby. If you don't know, now you know. According to Wikipedia, Sahil Khan is an Indian film actor, fitness entrepreneur and a YouTuber. लेकिन जब उसकी अच्छे से रिसर्च करी जाए तब पता चलता है he is an Indian flop film actor, fake fitness influencer and a controversy based celebrity. Sahil Khan is one of the biggest scammers of India. जो इस बात को अपोज कर रहे हैं, hang on, ये वीडियो पूरा देखो, इसमें हम जानेंगे Sahil Khan's one life, two faces. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट हिज एक्टिंग करियर। ही मेड हिज डेब्यू विद स्टाइल इन 2001। दिस मूवी गॉट सो बिग, लेकिन साहिल खान को हार्डली किसी ने नोटिस किया। इस मूवी के बाद इसका एक और सीक्वल आया, वो भी हिट हुआ, लेकिन साहिल खान फिर से अननोटिस्ड। उसके बाद ही वो सीन इन सम म्यूजिक वीडियोज। एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने के बावजूद अपनी ऑडियंस के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था। म्यूजिक वीडियोज के बाद एक दो मूवीज में साहिल ने काम किया, लेकिन वो भी जल्दी सबकी मेमोरी से फेड हो गई। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, साहिल खान इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट ब्रांड फॉर इंडियन यूथ। जहां पे 2000 में साहिल का बॉलीवुड में डाउनफॉल हुआ ऑडियंस कनेक्शन वीक होने के कारण, अभी उसका ऑडियंस कनेक्शन ही उसको इतना आगे लेके आया। हैव अ लुक। तो कैसे साहिल खान ने इतना यूथ कैप्चर कर लिया, आखिर कैसे पूरा यूथ पागल है साहिल के पीछे, और इसी यूथ के दम पर उसने प्रॉपर कंपनीज को अपने मार्केटिंग के नाम पे कैप्चर कर लिया है। अभी उसकी कंपनीज और शेयर होल्डिंग पे भी बात करेंगे कि कैसे साहिल ने लगभग बिना कोई मेहनत के $6 मिलियन की नेटवर्थ बना लिया। फेब 2016, साहिल ने गोवा में मसल एंड बीच नाम का जिम खोला, जो एक अलग कॉन्सेप्ट था क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट ओपन जिम था। बॉलीवुड में फेल तो हो गया साहिल, लेकिन कैपिटल और नेटवर्क्स बना लिए और उन्हीं की वजह से मसल एंड बीच चालू हुआ। और उसके एक साल बाद उसने यूट्यूब पे लग्जरी व्लॉग्स डालना शुरू कर दिए और इंस्टा पे भी काफी एक्टिव हो गया। जब धूप आती है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है इसकी, इसके डायमंड्स जो हैं वो इस वक्त शायद धूप कम है, हम शैडो में हैं, आप देख सकते हैं इसकी डायमंड्स काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। सर्विस कराने का खर्चा 70,000। अब उसको समझ आ गया था कि अब फैन फॉलोइंग और ऑडियंस के साथ खेलने का टाइम है, और ये करने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है ब्रिंग इन सम लग्जरी एंड कॉन्ट्रोवर्सी। 2005 में अपनी वाइफ निगार खान से डाइवोर्स हो जाता है। 2009 में आयशा श्रॉफ के साथ अफेयर। 2014 में आयशा केस फाइल करती है उसके खिलाफ, जिसमें किसी प्रोडक्शन कंपनी में फ्रॉड के चार्जेस लगते हैं उस पर। आयशा बताती है कि साहिल खान इज अ गे एंड दैट इज द रीजन निगार ने उसको डाइवोर्स दिया। फिर साहिल आयशा के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाता है। 2014 में सना खान के बॉयफ्रेंड इस्माइल खान से उसकी एक फाइट हो जाती है। 2018 में साहिल ऑनलाइन बीफ करता है संग्राम चोगले के साथ। लोग सो कॉल मिस्टर अर्थ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन और उनके टीम बहुत सारे स्टोरीज मेरे खिलाफ डालते हैं। ये भूल जाते हैं कि जहां ये तेल लगाकर खड़े होते हैं ना, वहां पे मैं चीफ गेस्ट होता हूं। अगर याद हो ना, याद है ना, तो अपनी टीम को बोलो याद करो, जहां पे तुम खड़े होते हैं वहां मैं चीफ गेस्ट होता हूं। आज से नहीं, 15 साल से मुझसे बात करो, मुझसे 40 माले चढ़ो, घर पे आके बात करो, जितनी औकात रहे उतने में बोलना, समझ में आया? कितने तुम्हारे जैसे आगे पीछे इधर जिम में काम कर रहे हैं। हवा मत लो ज्यादा, बहुत गहरा आएगा। औकात मत भूलो, औकात मत भूलो, औकात, ठीक है? जहाँ खड़े होते हो ना नंगे होकर, वहाँ पे चीफ गेस्ट होता हूँ मैं, याद तो होगा ना। 2021 में मनोज पाटिल को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता है साहिल की ऑनलाइन हैरेसमेंट से बचने के लिए। जुनैद कालीवाला के साथ मिलकर मनोज को टेम्पा प्रो जाने से रोकने की कोशिश की जाती है। उसके बाद भी काफी बड़ा बीफ चलता है पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी का। इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स जैसे यतिंदर सिंह, भरत वालिया, संग्राम चोगले, नितिन चंडीला, सुहास खामकर, ये सब खुलकर सपोर्ट करते हैं मनोज पाटिल और सिद्धांत जायसवाल को। अगर इतना ही चीफ गेस्ट बनने का शौक था कि जिस स्टेज पे तुम चड्डी पहने खड़े हो तो मैं चीफ गेस्ट होता हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेल के छोड़ क्यों दिया है गेम? नेशनल स्टेज पे खड़ा होता, इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा होता, फिर पता लगता औकात का। अभी औकात औकात करता है ना सबके, सब बॉडी बिल्डरों से, तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी वो औकात है, तो स्टेज पे खड़ा होता तब पता लगता तेरी औकात का।
टू बी प्रिसाइज, साहिल खान इज नो वन विदाउट कॉन्ट्रोवर्सीज। कितने ऐसे लोग हैं जो साहिल को ब्लेम करते हैं उनका करियर खत्म करने के लिए। 2020 में अयान ने साहिल और बॉडी पावर पे एलिगेशंस लगाए कि उसके दो शोज की ना तो उसको प्राइज मनी मिली है और ना ही उसकी यूके और दुबई की ट्रिप्स। यू नो इट्स वेरी सैड दैट वी हैव सच पीपल इन द इंडस्ट्री हु रियली वांट टू फूल एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम द एथलीट्स। सो मैं और किसी की नहीं, मैं बात करना हूँ साहिल खान की और उसकी टीम की गाइस। यस, करणधीर राजपूत ने भी बताया कि कैसे हैरेसमेंट से डर के उसे इंडिया छोड़ना पड़ा, कि कैसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए गए। 2018 में मैंने फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन की और 2019 तक मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड मिल चुके थे। 2019 तक मुझे एक बिग मसल ब्रांड मिला था जो कि साहिल खान के पास था। सबसे पहले साहिल खान को अनफॉर्चुनेटली उस ब्रांड से निकाल दिया गया था कुछ उसकी गंदी हरकतों की वजह से, उसके बाद मुझे लिया गया था। और 2019 में मैं उसी बड़ा गोल्ड जिम में वर्कआउट करता था, उस टाइम पे साहिल खान भी सेम उसी जिम में वर्कआउट करता था। तो एक दिन उसने मुझे रोका और उसने मुझे बोला कि करण, यू हैव गुड पर्सनैलिटी, यू हैव गुड फेस, तुम इस ब्रांड को प्रमोट मत करो, बी योर ऑन ब्रांड। तो मैंने उसको बोला कि सर मैंने साइन किया है और मुझे अभी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और बिग मसल ब्रांड उस टाइम पे बहुत अच्छा था तो मैं ये छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। तो इसने मुझे कुछ नहीं बोला इसको, बट मुझे नहीं मालूम था कि इसकी ईगो इतनी हर्ट हो जाएगी कोई इसको मना करता है। तो उसके बाद इस बंदे ने 7 जून को मेरे बर्थडे के दिन मेरा अकाउंट हैक कर लिया और हैक करने के बाद उस अकाउंट को उड़ा दिया। 17 साल का विनय बसावा, 17 साल का शिवा पमार और 21 साल का प्रशांत, ये 3 कर्नाटका के लड़के हैं और इनको साहिल खान हायर करता है अकाउंट्स हैक करने के लिए। साहिल, उसकी बहन शाइस्ता खान और उसका लॉयर, ये तीनों इस केस में इन्वॉल्व थे। इन 3 लड़कों को 1 से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए शाइस्ता के अकाउंट से और करणधीर के FIR कराने के बाद उन लड़कों को कर्नाटका से पकड़कर लाया गया ओशिवारा पुलिस स्टेशन। और जब उनसे सब पूछा गया तो उन्होंने सब बता दिया और प्रॉपर एविडेंसेस मिले, जैसे कि साहिल की ऑडियो जो उन हैकर्स को भेजता था। रिनका रुको, उड़ा दोगे तो मजा चला जाएगा, रोज उसको परेशान होने दो, थोड़ा थोड़ा उसको फीलिंग आना चाहिए ना, रोज सुबह शाम अपना अकाउंट देखे, डर लगना चाहिए उसको, अभी उड़ा देंगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। तो रुकते हैं जमीन के लिए, ठीक है। प्रशांत मेरे भाई, अपना ख्याल रखो, तुम कोई भी बात का टेंशन मत लो, तुम्हारे सर का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, साहिल खान तुम्हारे साथ है। पॉलिटिशियन पावर जो भी चाहिए तुमको सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई हमको जबरदस्ती का तकलीफ देगा या मेरे टीम को कोई तकलीफ देगा तो साहिल खान और साहिल खान का फुल पावर उस इंसान को बहुत बहुत परेशानी में डाल सकता है, ठीक है। वन लाइफ। यहाँ पे देखिए, सिद्धांत जायसवाल का अकाउंट हैक करने को बोला गया और यहाँ पे ये हेल्थ XP का अकाउंट डिलीट करने को बोला जा रहा है। सर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं करके बोल रहा हूँ, मगर ये हेल्थ XP क्या बोल रहा है भाई, इस अकाउंट से एक बिजनेस चलता है, एक बिजनेस का अकाउंट है, अगर कुछ उड़ेगा तो ये तो रिटर्न लेने का तो थोड़ा डाउट है, मगर केस तो पक्का करेंगे क्योंकि बोलो तो एक ब्रांड है, एक कंपनी है, अगर ऐसा कंपनी का हम अकाउंट उड़ाएंगे तो पक्का केस तो करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के प्रकार आपको बोल रहा हूँ करके। और ये केस अभी भी ओपन है, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाए गए थे साहिल, शाइस्ता और उसके लॉयर विवेक शर्मा पे, लेकिन अभी FIR से शाइस्ता और उसके लॉयर का नाम हट चुका है। पूरे एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, लेकिन केस पे काम नहीं चल रहा है, को घुमा दिया गया एकदम, अभी कुछ भी बचा नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के मन नहीं करता है कि मुंबई में, मुझे नहीं लगता है कुछ सेफ है आज की डेट में, क्योंकि जो क्राइम करता है अगर उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो क्राइम भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे जाके साहिल का अकाउंट खोलते हैं तो बायो में कुछ कंपनीज के नाम है जिनको साहिल बहुत चोट से अपनी कंपनीज बताता है। उन कंपनीज की बात करते हैं। माई फिटनेस, कहने को तो माई फिटनेस पीनट बटर का ओनर साहिल खान है, लेकिन रिसर्च के बाद पता चलता है कि माई फिटनेस तन्वी फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आती है और तन्वी फिटनेस के फाउंडर्स हैं मोहम्मद पटेल एंड रहील अब्बास विरानी, तो अनडाउटेडली माई फिटनेस इन्हीं की कंपनी है। तो साहिल इज नॉट द फर्स्ट इंडियन टू स्पॉन्सर मिस्टर ओलंपिया। माई फिटनेस पहला ब्रांड है इंडिया का जिसने ओलंपिया को स्पॉन्सर किया है। फिर डिवाइन न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो ये एक वाइट लेबलिंग बेस्ड ब्रांड है, वेदांत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से सप्लीमेंट बन रहे हैं और ब्रांडिंग हो रही है डिवाइन की, लेकिन चलो ये मॉडल भी सही है। बट साहिल इज अगेन नॉट द ओनर ऑफ डिवाइन न्यूट्रिशन, हिरेन देसाई की कंपनी है ये और साहिल सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। इसके बाद आती है हंक वाटर और सुपर फिट और द ब्रांड डीओ भी हंक के अंडर ही आती है। और ट्विस्ट ये है कि हंक वाटर भी मदर्स आई प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आती है और मदर्स आई के ओनर्स हैं रिजवान शेख और शोजाब खान। अगेन साहिल इज अ मार्केटिंग गाय, नथिंग एल्स। फिर बाइसेप्स की बारी आती है।
Biceps India Private Limited was founded in 2017 और इसके फाउंडर्स हैं अमित शंकर और विवेक यादव। और भी कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं लेकिन साहिल खान इज नोवेयर। अगेन जस्ट अ मार्केटिंग गाय विद अ टाइनी स्टेक इन द कंपनी। ये सारा ये जो मेरे पार्टनर्स हैं इनका काम है मेहनत करना और मेरा काम है आप लोगों को लग्जरियस जिंदगी दिखाना। एक्चुअली बेचारे ये लोग काम करते हैं और मैं सिर्फ मजे करता हूँ। वी आर लकी पीपल। से हेलो। हाय गाइस। फेक आर्टिकल्स और फॉल्स पेड मार्केटिंग करवा के साहिल ने इंटरनेट पे सब हाइड किया हुआ है। आप अगर इनमें से किसी भी कंपनी के फाउंडर के बारे में सर्च करोगे तो साहिल के आर्टिकल्स पॉप आउट हो जाएंगे। डीप रिसर्च करने से ये सब सामने आता है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है शायद। और भी बहुत कुछ है बताने को लेकिन उसके लिए पार्ट टू बनाया जाएगा। अभी टाइम फॉर कंक्लूजन। आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं आप में से बहुत कम लोगों को आइडिया होगा कि साहिल खान का रियल फेस क्या था, लेकिन आई गेस अब पता चल गया होगा। आई नो देयर विल स्टिल बी पीपल जो इसको सपोर्ट करेंगे। कोई मनोज के स्टेरॉइड रैकेट से इसको जस्टिफाई करेगा, कोई आयशा श्रॉफ पे लगाए फॉल्स एलिगेशन से। लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि चूज योर आइकन्स वाइजली। अपने रोल मॉडल्स चूज करने से पहले उनकी डीड्स देख लो। सबके अलग अलग चेहरे होते हैं। अभी अगले वीडियो में मिलते हैं।